हेलो एवरीवन, मैं नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सबका बहुत प्यार देने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, और आप सबको बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं इस दिन की, जो इतना बड़ा दिन आप सबकी जिंदगी में आया है। आप खुश नसीब है जो देख रहे हैं इस दिन को, वरना बहुत ऐसे लोग अपने दिल में हसरत ले गई इस दुनिया। आमीन आमीन आमीन। सही बात है, बहुत खुश नसीब है। तो आज उसी मौके पर अयोध्या राम मंदिर में पीएम मोदी की स्पीच हम सुनने वाले हैं, जो कि सुन के बड़ा आनंद आने वाला। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। सियावर रामचंद्र जय। वाह, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धे मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहां उपस्थित, सभी बैठे हैं यार, और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए। हाय हाय, क्या बात है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, सही बात है, बहुत सदियों की प्रतीक्षा, हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, सही बात, बहुत बलिदान दिए हैं, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। क्या बात। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई, सही बात है, आप सबको बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहे। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात की है मोदी जी। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। सही बात है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही हो। सही बात है, सभी बहुत खुश हैं। क्षण बहुत खुश, अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद। सही बात है, क्या बात की। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन
एक नया विश्वास। सही बात है, सबको विश्वास था एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा। सदियों के उस धैर्य की फल मिला है, धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर क्या मिला बात है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की याद करेंगे, आज के इस पल की चर्चा। सही बात है, बिल्कुल सही बात की। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को सही, मैंने वही चीज कही है कि कितनी बड़ी कृपा है, साक्षात घटित होते देख रहे। सही बात। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जहां पे राम जी हैं वहां पे हनुमान जी भी हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान क्या बात, वाह, और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता। सही बात। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ। सही बात है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आस पास उपस्थित। क्या बात है, कितना वो खुश हो रहे होंगे। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता। क्या बात है जी। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार मजा आ गया सच्ची में इनकी स्पीच सुन के ना, मतलब दिल को आनंद आया है। उन्होंने बोला है कि हम मतलब जो भी इस मतलब समय में मौजूद है ना, वो खुशकिस्मत इंसान है हम, क्योंकि हम इस चीज को होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। वरना वो लोग जिन्होंने बलिदान अपना दे दिया, ये जो इस ख्वाहिश में ही दिल को लेकर इस दुनिया से चले गए, तो उनमें से नहीं है हम। हम खुशकिस्मत लोग हैं। तो ये वो चीज बोल रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि अभी राम जी जो है ना, वो टेंट में नहीं रहेंगे, अभी वो उनका एक अलग से जो सम्मान है वो उनको दिया गया है, जो कि सदियों से इंतजार था सबको, सबकी अभी खुशियां दिल में, सब अपने घरों में कितने खुश होंगे। और जो वहां पे जाके शामिल हुए हैं वो तो और भी ज्यादा खुश होंगे, और जितने भी लोग वहां पे गए हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पीएम मोदी जी की स्पीच इस मौके पर बहुत अच्छी लगी। सही बात है, कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। हाँ, अच्छी बात की उन्होंने। सही बात, अच्छी बात की यहाँ के। ये नहीं बोला जा सकता कि ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ही एक खुशी का दिन है, इसमें सब लोग मिलजुल कर शामिल हो गए हैं, सब मिलजुल कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम खुद इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि राम जी आ गए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा वो मैं कल की वीडियो में बोल रही थी कि हम अभी बोल रहे हैं राम जी आएंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं राम जी आ गए हैं। तो सच्ची में आ गए हैं वो अभी अभी, तो सब जब भी जाएं जाके दर्शन उनके कर सकते हैं। तो वहां पे वो बोले थे राम जी, उनके सभी भाई, उनकी पत्नी, सब माएं उनकी जो वहां वहां पे मौजूद होंगी, तो उनको ये सब चीजें देके कितना आनंद मिल रहा होगा, कितने वो खुश होंगे इस चीज से कि आज जो है कि इतने सदियों का कष्ट उठाकर फाइनली वो दिन आ गया जब राम जी आ गए हैं। मजा आ गया यार वीडियो देख के, बहुत खुशी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो ने थोड़ी सी खुशी दी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोने दिन।